दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले ही नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। ठाकुर जी के बाराती हुए बेकाबू, किया जबरदस्त हंगामा, 100 को अनुमति थी, पहुंच गए 1500 बाराती तो मच गई भगदड़। बियर के शौकीन 5 कांस्टेबल सस्पेंड, बियर लाने से मना किया तो कांस्टेबलों ने युवक को पीट दिया। 23 बच्चियों को तस्करों के चंगुल से छुड़ा लाया सरकारी शिक्षक बना हीरो, गाड़ी रोक छुड़ाया बच्चियों को, एजेंट हुए रफू चक्कर। नफरतों को नकार, रामनवमी पर रोजेदारों ने बरसाए फूल, जय श्री राम के उद्घोष से गूंजा बाड़मेर, दिखी कौमी एकता। एक ऐसे प्रिंसिपल जो लड़कियों को खींच लाई उनके ही घर से। और अब खबरें विस्तार से। भीलवाड़ा में सोमवार को तुलसी विवाह को लेकर कोटड़ी से आई चार भुजानाथ की बारात में विवाद हो गया। बारात में आए हजारों लोग धूमधाम से शहर में ठाकुर जी की बिंदौली निकाल रहे थे। इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने इस भीड़ को तिलक नगर के बाद रोक लिया। प्रशासन का कहना यह था कि इस कार्यक्रम को लेकर करीब 100 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन बारात में 1500 से अधिक लोग पहुंच गए। पुलिस के निश्चित किए लोगों को जाने की अनुमति देने की बात को कर हंगामा हो गया और लोग जबरन रास्ते पर जाने लगे। ऐसे में पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा और भीड़ को मौके से खदेड़ना पड़ा। मामले को गंभीरता से देखते हुए मौके पर पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता भी बुलवाना पड़ा। बताया जा रहा है कि सोमवार को श्रृंगी ऋषि आश्रम में तुलसी विवाह का आयोजन होने जा रहा है और इसी को लेकर कोटड़ी से चार भुजानाथ की बारात भीलवाड़ा शहर में आई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। ठाकुर जी की पूरी शहर में हाथी पर बिंदौली निकाली जा रही थी और इसी दौरान तिलक नगर के पास ये पूरी बारात धूमधाम से आ रही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से कम लोगों को ही अनुमति दी गई थी। ऐसे में हजारों की संख्या में पहुंची इस बारात को पुलिस ने रोक दिया और निश्चित किए गए लोगों को ही अंदर जाने की बात कही। इसी बात को लेकर बारात में शामिल लोग आक्रोशित हो गए, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। लोग जबरन शहर में प्रवेश करने लगे, ऐसे में वहां भगदड़ मच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और लोगों को खदेड़ना पड़ा, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। शहर में इस विवाद के बाद बड़ा मंदिर के बाद बाजार को भी बंद कर दिया गया है। वहीं पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया गया है। साथ ही पुलिस के अधिकारी इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर रविवार को शोभा यात्रा निकाली गई। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम के उद्घोष से शहर गूंज उठा। हाई स्कूल से रवाना हुई शोभा यात्रा में भगवा ध्वज लिए सैकड़ों युवा भगवान राम के जयकारे लगा रहे थे। शोभा यात्रा का कोतवाली के आगे मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल बरसा कर माला पहना कर स्वागत किया। द कश्मीर फाइल्स झांकी शोभा यात्रा का आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में विभिन्न समाज और संगठनों की ओर से झांकियां निकाली गई। वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने शोभा यात्रा अहिंसा सर्कल पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं के साथ डांस किया। बाड़मेर में शोभा यात्रा में सबसे पहले श्री राम भगवान का रथ रवाना हुआ और इसके पीछे महिलाएं मंगल कलश सिर पर लेकर राम भक्त अपने हाथों में केसरिया ध्वज लेकर परंपरागत राजस्थानी वेशभूषा में शामिल हुए। रामनवमी महोत्सव समिति एवं विश्व हिंदू परिषद की ओर से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान जगह जगह पर शहर के लोगों ने फूल बरसा कर स्वागत किया। हर जगह जय श्री राम के नारे से शहर पूरा गूंज उठा था। शोभा यात्रा में अलग अलग सामाजिक संगठनों की अलग अलग झांकियां थी। शोभा यात्रा में 30 झांकियां थी। इसमें सबसे आकर्षण का केंद्र झांकी 10 रही और इस झांकी में द कश्मीर फाइल्स को दर्शाया हुआ था। इस झांकी को केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने भी देखा। कैलाश चौधरी ने नारे भी लगाए। रामनवमी पर निकली शोभा यात्रा कोतवाली पहुंचने पर युवाओं ने पटाखा फोड़ कर स्वागत किया और इसके बाद मुस्लिम समाज के अलग अलग संगठनों से महिलाएं, युवा और बुजुर्गों ने फूल और माला पहना कर स्वागत किया। मुस्लिम समाज के अबरार मोहम्मद का कहना है कि बाड़मेर जिला हमेशा कौमी एकता की मिसाल पेश करता रहा है। मुस्लिम भाई रोजेदारों ने शोभा यात्रा का फूल बरसा कर स्वागत किया। राजस्थान के दूसरे जिलों को बाड़मेर की कौमी एकता से सीख लेनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी हाई स्कूल मैदान से शोभा यात्रा के साथ पैदल रवाना हुए। शोभा यात्रा जब अहिंसा सर्कल पहुंची तो कार्यकर्ताओं को डांस करता देख खुद को भी रोक नहीं पाए और कार्यकर्ताओं के साथ ही जमकर उन्होंने भी डांस किया। उदयपुर के जिले के जाड़ोल में एक सरकारी टीचर ने एक जीप को रुकवाकर 23 बच्चियों को मुक्त करवाया। शिक्षकों ग्रामीणों से सूचना मिली कि बच्चियों को बाल तस्करी कर मजदूरी के लिए गुजरात के राजकोट भेजा जा रहा था। डोडाचूरा की खेती के काम के लिए एक एजेंट के जरिए इन्हें भेजा जा रहा था। शिक्षक के मौके पर पहुंचते ही जीप में बैठे ड्राइवर और एजेंट मौके से भाग छूटे। दरअसल पारगिया पाड़ा गाँव के सरकारी शिक्षक दुर्गराम ने इस कार्यवाही को करवाया। वे बाल तस्करी की जागरूकता को लेकर जाने जाते हैं। तस्करी की सूचना मिलने पर वे दो ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने नैनबारा में जीप को रुकवा दिया। जीप में इस दौरान ड्राइवर और एक एजेंट के अलावा 23 बच्चियां भरी थी।
जीप के रुकवाते ही ड्राइवर और एजेंट दोनों मौके से भाग छूटे। बात करने के दौरान कुछ बच्चियां भी घबरा कर भाग गईं और इसके बाद दुर्गराम ने जीप को लेकर थाने पहुंचे और बाल तस्करी की रिपोर्ट दी। सामने आया है कि रिछावर गांव से 23 बालिकाओं को मजदूरी के लिए जीप में भरकर गुजरात के राजकोट ले जाया जा रहा था। परिजनों की सहमति से नाबालिग बच्चियों को मजदूरी के लिए भेजा जा रहा था और उन्हें वहां डोडा चूरा की खेती के लिए ले जाया जा रहा था। वहीं इस मामले में झाड़ोल पुलिस बच्चियों से पूछताछ कर रही है। इसके बाद उनके परिजनों को थाने बुलवाया गया। शिक्षक दुर्गराम ने पहले भी बाल तस्करी के खिलाफ कई बार कार्रवाई करवाकर मजदूरी के लिए ले जाते सैकड़ों बच्चों को मुक्त करवाया है। उदयपुर में एसपी ने मारपीट के मामले में 5 कांस्टेबल को 1 मामले में सस्पेंड कर दिया है। 5 पर कलवाना निवासी निर्मल जोशी और अंकित को 3 अप्रैल को थाने लाकर पीटने का आरोप है। घटना सायरा थाने की है। दरअसल घटना से आक्रोशित समाज ने एकत्रित होकर मामले में लिप्त कांस्टेबल को निलंबित करने की मांग की थी। इसके लिए समाज ने उपखंड अधिकारी और उदयपुर पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई थी। इस मामले में युवक की याचिका पर कोर्ट ने 5 कांस्टेबलों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। मामला दर्ज होने के बाद सोमवार को पुलिस अधीक्षक ने सायरा थाने के 5 कांस्टेबल बाबूलाल, सुनील, मुकेश, धनराज और राहुल को निलंबित कर दिया है। निलंबन के बाद 5 का मुख्यालय पुलिस लाइन उदयपुर कर दिया है। बता दें कि इस मामले में सर्व समाज ने 17 अप्रैल को सायरा थाना के घेराव की चेतावनी भी दी थी। साथ ही विप्र सेना के अधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी आक्रोश जताते हुए घेराव में शामिल होकर जवानों पर कार्यवाही के लिए बैठक कर रणनीति तैयार की थी। जानकारी के अनुसार अंकित से थाने में जवानों के साथ मारपीट करने के मामले में एक शिक्षक इंद्रजीत सिंह पर भी मामला दर्ज हो चुका है। शिक्षक इंद्रजीत सिंह व अंकित के बीच ही सायरा थाना क्षेत्र की एक होटल पर विवाद हुआ था और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। मामले में सामने आया कि 3 अप्रैल की रात को करीब 10 बजे निर्मल सुखसागर होटल के बाहर खड़ा था। होटल के सामने खड़ी कार में जेमली स्कूल के अध्यापक इंद्रपाल सिंह और सायरा थाने के कांस्टेबल मुकेश कुमार शराब पी रहे थे। कुछ देर बाद मुकेश कुमार ने निर्मल को अपने पास बुलाया और सामने स्थित ठेके से 5 बियर लाने को कहा। निर्मल ने बियर लाने से इनकार किया तो इंद्रपाल सिंह ने नीचे उतरकर निर्मल को थप्पड़ जड़ दिया। गुस्से में निर्मल ने भी इंद्रपाल सिंह को थप्पड़ जड़ दिया। निर्मल ने बताया कि रात 1 बजे सायरा थाने के कांस्टेबल मुकेश, राहुल और धनराज उसके घर पहुंच गए और उसे पकड़कर सायरा थाने में ले गए और वहां उससे मारपीट की गई थी। किसी की शादी हो गई, किसी का परिवार नहीं मान रहा, किसी के पास इतने पैसे नहीं कि फीस भर सके, किसी को क्या तो किसी को क्या प्रॉब्लम, लेकिन नतीजा सिर्फ एक और वो है कॉलेज की पढ़ाई को तिलांजलि देना, पढ़ाई बीच में ही छोड़ देना। बस पढ़ाई का सफर कुछ लड़कियों के लिए ऐसे ही खत्म हो जाता है। पढ़ाई के साथ साथ उनके सपने, उनका आत्मसम्मान, उनका आत्मविश्वास और भी बहुत कुछ बीच में ही रुक जाता है। इसको रोकने के लिए एक प्रिंसिपल ने गजब का तरीका अपनाया। जयपुर के सबसे बड़े गर्ल्स कॉलेज KN कॉलेज में बमुश्किल प्रवेश पाने वाली कई लड़कियों को जब BSc ग्रेजुएशन के दूसरे और तीसरे साल में कॉलेज छोड़ते देखा तो डायरेक्टर डॉक्टर संगीता लुंकड़ ने रजिस्टर चेक किया। उन्होंने पढ़ाई छोड़ने वाली कुछ लड़कियों से बात की। कारण पता चला कि किसी के पास फीस नहीं है तो कुछ को शादी के बाद ससुराल वालों ने आगे पढ़ाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कॉलेज में गर्ल्स काउंसलिंग विंग शुरू की, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और इसमें सभी 6,000 छात्राओं को जोड़ दिया। कोशिश रंग लाई, 50 से ज्यादा लड़कियां फीस नहीं भरने से पढ़ाई छोड़ रही थी उनके लिए फीस की व्यवस्था की गई। कॉलेज छोड़ चुकी 15 लड़कियों को वापस पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और 8 लड़कियों को ससुराल से फिर कॉलेज लाए। कॉलेज छोड़ने वाली 70 लड़कियों ने फिर से कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर दी है। डॉक्टर लुंकड़ ने बताया कि अगर ऐसे ग्रुप नहीं बनते तो पता ही नहीं चल पाता कि लड़कियां क्यों कॉलेज छोड़ती हैं। ग्रुप में और भी समस्याएं सामने आईं। 30-40% से ज्यादा छात्राएं आत्मनिर्भर न होने और करियर में पीछे रहने के कारण ससुराल में हिंसा का शिकार हो रही है। अगर ये पढ़ी लिखी होंगी तो इन्हें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए संस्थान पढ़ाई के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल भी कर रही है। हम सप्ताह और 15 दिन में एक बार छात्राओं से और उनके ससुराल और घर वालों की काउंसलिंग कर उनकी पढ़ाई जारी रखवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि जब छात्रा यहां से ग्रेजुएशन करके निकले तो उसे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बल्कि हाथ में मेहनत की कमाई हो तो हिंसा के शिकार भी नहीं हो पाएंगी। बढ़ती बेरोजगारी और व्यापम घोटाले की जांच की मांग को लेकर युवा कांग्रेस का हल्ला बोल फेल हो गया। इंदौर में युवा कांग्रेस नेता और समर्थक कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे और उन्होंने यहां CM शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ता प्रदर्शन भूल आपस में ही भिड़ गए। उन्होंने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए। कार्यकर्ताओं ने जब बैरिकेडिंग पर चढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। पुलिस ने युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया सहित कार्यकर्ताओं समर्थकों को मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
इंदौर में सोमवार को युवा कांग्रेस नेता समर्थकों के साथ कलेक्टर ऑफिस पर हल्ला बोल प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां तैनात थे और इसमें मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, इंदौर युवा कांग्रेस अध्यक्ष रमीज खान सहित कई कार्यकर्ता रैली के रूप में यहां पहुंचे। हालांकि पुलिस ने एहतियात के तौर पर पहले ही बैरिकेडिंग कर रास्ते को बंद कर दिया था। इस दौरान विक्रांत भूरिया, रमीज खान सहित कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पकड़कर जेल वाहन में भरना शुरू किया तो वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी शुरू की तो बैरिकेडिंग पर बैठे विक्रांत भूरिया सहित अन्य नेताओं को भी पकड़कर जेल वाहन में ले जाने का प्रयास किया। इस बीच विक्रांत भूरिया और अन्य नेता जमीन पर बैठ गए और इस पर पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए टांगा चोली कर विक्रांत भूरिया को पकड़कर गाड़ी में बैठा दिया। गिरफ्तारी के दौरान मीडिया से चर्चा में विक्रांत भूरिया ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदर्शन के दौरान भाजपा के लोग हमें पीछे से मारने का काम कर रहे थे। विक्रांत भूरिया ने कहा कि हम क्या मांग रहे हैं, बेरोजगारों को न्याय दीजिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सीएम के ओएसडी खुद इस मामले में लिप्त हैं, मगर सीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की। भूरिया ने कहा कि वे फिर पूरी ताकत से आएंगे। एडिशनल डीसीपी जयवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया सहित उनके समर्थकों ने बैरिकेडिंग पकड़ने का प्रयास किया गया था। उन्हें चेतावनी भी दी गई, यह विधि विरुद्ध है। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और इसके द्वारा बलवा का प्रयास किया जा रहा था। भदौरिया ने आगे कहा कि विभिन्न धाराओं में इन पर कार्रवाई की जाएगी और उनके पास प्रदर्शन की कोई परमिशन भी नहीं थी। इंदौर के एरोड्रम इलाके में शराब के नशे में पुलिस की पिटाई करने वाले बदमाश को रविवार को पुलिस ने आखिर पकड़ ही लिया और उसका जुलूस भी निकाल दिया। गिरफ्तारी से पहले उसने बचकर भागने की कोशिश भी की, जिसमें वह अपने हाथ पैर तुड़वा बैठा। मरहम पट्टी कराने के बाद पुलिस ने उसी के इलाके में उसका जुलूस निकाला, साथ ही उठक बैठक लगवा कर उससे पुलिस के पक्ष में नारे भी लगवाए। एरोड्रम टीआई संजय शुक्ला ने बताया कि गांधीनगर थाने में पदस्थ कांस्टेबल जयप्रकाश जायसवाल शुक्रवार दोपहर 2 बजे वेंकटेश नगर से निकल रहे थे और इसी दौरान नशे में धुत दिनेश प्रजापति बाइक लहराते हुए वहां से गुजरा। जयप्रकाश ने उसे टोका तो उसके बाद दिनेश ने लाठी से हमला कर दिया। आरोपी काफी देर तक कांस्टेबल को लट से पीटता रहा। कांस्टेबल जैसे तैसे जान बचाकर मौके से भागा। वहां मौजूद लोग कांस्टेबल की मदद करने की बजाय घटना का वीडियो बनाते नजर आए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दिनेश प्रजापति को पकड़ लिया और पुलिस ने उसका पैदल जुलूस निकाला और उठक बैठक भी करवाई। इस दौरान वह पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता नजर आया। पुलिस ने उससे नारे भी लगवाए, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।